खबर सारण बिहार से, जहां विधानसभा चुनाव में छपरा जिला के 116 तरैया विधानसभा में 3 नवंबर को मतदान होना है। विधानसभा से कुल 17 लोग चुनाव में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। इसमें से 7 लोग अलग अलग पार्टी के टिकट पर तो 10 लोग निर्दलीय खड़े हैं। कुछ लोग दल से बगावत दरबागी बन निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव मैदान में है, तो कुछ अपने समाज सेवी व्यक्तित्व को सामने रख निर्दलीय है। इस विधानसभा में दलीय अभ्यर्थी के साथ निर्दलीय भी गंभीर अभ्यर्थी माने जा रहे हैं। इन्हीं अभ्यर्थियों के बीच इसवापुर प्रखंड के डटरा पुरसौली पंचायत के मुखिया सरोज कुमार गिरी उर्फ संगम बाबा भी मैदान में हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बाद पिछले 2 महीने में लगातार 3 बार बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हुए तरैया विधानसभा में संगम बाबा की पहचान एक बड़े मददगार के रूप में सामने आई है। इसे विधानसभा के लोग भी खुले तौर पर मानते हैं और वे संगम बाबा की समाज सेवी छवि को स्वीकार भी करते हैं। विधानसभा के प्रत्येक गांव तक अपनी पहुंच रखने वाले संगम बाबा को लोग बखूबी पहचानते हैं, तो संगम बाबा ने भी प्रत्येक जरूरतमंद के घर तक पहुंचने का प्रयास किया। वहीं जब नेशनल खबर 9 की टीम संगम बाबा की चर्चा सुनने उनसे मिलने इसवापुर की सहवा गांव में पहुंचकर चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में जुटे संगम बाबा से उनकी स्थिति की जानकारी लेते हुए सवाल जवाब में उनसे उनके मिशन और मुद्दे को जानने का प्रयास किया, तो सवालों के जवाब में संगम बाबा ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। माहौल है और बिहार के छपरा में विधानसभा का चुनाव 3 नवंबर को होना है। 3 नवंबर को लोग मतदान करेंगे। आज नेशनल खबर 9 की टीम 116 तरैया में है और तरैया में जानेगी कि यहाँ चुनाव की स्थिति क्या है, लोगों की मनसा क्या है, अभ्यर्थी कितने जोशों खरोश से अपने अभियान में लगे हैं और उन्हें लोगों का कितना जन समर्थन मिल रहा है। तरैया विधानसभा माना जाता है कि ये छपरा का एक अलग विधानसभा है, जहाँ अलग अलग हालात बने हुए हैं। 3 प्रखंडों से बना तरैया विधानसभा क्षेत्र में इसवापुर, तरैया और पानापुर का प्रखंड शामिल है। इस बार पिछले दो महीने पहले यहाँ ये तीनों प्रखंड बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित थे और बाढ़ की स्थिति अभी तक बनी हुई है। स्थिति ये थी कि ये प्रखंड 2 महीने में ही लगातार 3 बार बाढ़ की विभीषिका को झेल चुके हैं और इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव सामने है। लोगों में बाढ़ की त्रासदी का झेलने का दंश भी है और अब उन्हें मतदान में भी भाग लेना है। अभ्यर्थी पूरे जोशों खरोश में हैं और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो परिस्थितियाँ हैं, जो स्थिति दिख रही है, उसमें वो लोग ज़्यादा प्रभावी हैं जो बाढ़ जैसी विभीषिका में, कोरोना जैसी आपदा में लोगों के बीच ज़्यादा सक्रिय रहे थे और अपना अपनत्व दिखाकर लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। आज हम सहवा गांव पहुंचे हैं। यहां तरैया विधानसभा से निर्दलीय अभ्यर्थी सरोज कुमार गिरी उर्फ संगम बाबा मौजूद हैं। आज जानेंगे कि बतौर निर्दलीय संगम बाबा की क्या स्थिति है, लोगों के साथ इनका कितना अटैचमेंट है, कितना जन सहयोग इन्हें मिल रहा है और ये इस विधानसभा में इनकी क्या स्थिति रहेगी। तो अब सीधे संगम बाबा के बीच पहुंचते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और जानते की जनता। आप एक पंचायत के लोकप्रिय मुखिया भी रहे हैं और उसके पहले आपकी पत्नी मुखिया रही थी और अब आप मुखिया हैं। निश्चित रूप से पंचायत के लोगों का स्नेह और समर्थन आपके साथ है। तरैया विधानसभा के लोग आपको मतदान करें, क्यों करें? हमको मतदान क्यों करें, तो क्वेश्चन आपका सही है। बस जो भी है, जितना भी समय मिला है हमें कोरोना काल से लेकर बाढ़ की आपदा तक, जो है उस समय तक हम उनके बीच बने रहे हैं और लगातार प्रयास करते रहें कि उनकी मदद जितना हो पाए हम करें। और उसी में संगम बाबा आपके बीच बड़े बड़े अभ्यर्थी हैं, बड़े बड़े नाम वाले हैं, निश्चित रूप से उनका राजनीतिक अनुभव आपसे बड़ा है और इस बीच आप आए हैं, कितनी जगह, कितना रास्ता बना पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले बड़े बड़े और छोटे बड़े की बात नहीं होती है। यहाँ पे जो है आप जनता के बीच में क्या कर रहे हैं और जनता को किस प्रकार जो है जनता के हर हाल में आप खड़े उतर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। और
ऐसा कोई नहीं है कि मतलब एकाएक हम यहाँ पे आ गए, एकाएक जो है चुनाव लड़ने की दृष्टि से या एकाएक मेरा फैसला हुआ कि चलो चुनाव लड़ेंगे तो ये मदद करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बस शुरू से 10 सालों से ये कार्य करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा दायरा बढ़ा है और उनका प्यार और जो है संगम बाबा, ये माना जाता है जिस समाज से आप आते हैं, जिस समूह से आप आते हैं, उसकी आबादी नगण्य है। जाति और जमात की राजनीति बिहार में होती रही है और उसको उसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो निश्चित रूप से संगम बाबा वो जगह आपको नहीं दिखता जो जगह अन्य लोगों का भी दिखता है, तो कैसे सफल हो पाएंगे इस मुश्किल हालात में? देखिए, जाति जमात की बात आपकी सही बात है, लेकिन आज जो समय चल रहा है ना, आज समय सभी लोग शिक्षित हो गए हैं और जात पात की राजनीति से काफ़ी मतलब ऊपर उठने का प्रयास करें और उठ भी रहे हैं। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, तरैया विधानसभा की बात करते हैं, क्या सोच रखते हैं आप तरैया विधानसभा के लिए? सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे जो है तरैया विधानसभा हो या कोई क्षेत्र हो या पंचायत का हो या विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं जीतते हैं, जीतने के लिए जीतने के पहले लंबी लंबी घोषणाएँ भाषण या जो भी उनके एजेंडा होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ से 5 सालों के लिए गायब हो जाते हैं। 5 सालों क्या लगता है आपको कि जो जीते वो क्या नहीं कर पाए तरैया के लिए? सबसे बड़ी बात है कि वो लोगों के बीच से गायब रहे, लोगों के बीच जो है उनकी जो है जनता और जनप्रतिनिधि का जो गैपिंग है वो काफ़ी मतलब समय से गैप रहा, और जब तक आप पास नहीं जाइएगा, जब तक आप लोगों के बीच नहीं रहेगा, बने नहीं रहेगा, तब तक आपको पूरी तरह से जो है विकास नहीं कर पाइएगा। संगम बाबा, आपको कैसे लगता है कि आप जीत गए तो आप जनता के लिए समय देना शुरू कर देंगे, आपके पास इतना समय आ जाएगा कि आप लोग के पास ऐसे ही पहुँचेंगे जैसे चुनाव में वोट मांगने के लिए पहुँच रहे हैं, इतना समय कैसे ले आएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा इसमें कि हम कैसे पहुँचेंगे, बस पिछले 10 सालों का जो है प्रयास रहा है, 10 सालों के जो कार्यकाल हमारे रहे हैं उस कार्यकाल में इतना जरूर अपने आप पे जो है इतना भरोसा है कि वही कार्य और वही जो है साथ जो है जनता के साथ जो है आगे भी। बाबा, लोग कहता है बहुत छोटी कदकाठी है आपकी, बहुत कमजोर काया है, इतनी मजबूत आपने लड़ाई ठान ली है, इतनी मजबूती, इतनी बड़ी लड़ाई आप इस मजबूत इस कमजोर काया से कैसे पार पाएंगे? जो है जो भी प्रत्याशी होते हैं ना, तो हट्टे कट्टे या 7 फीट या 6 फीट या जो है कदकाठी इससे नहीं होते हैं, लोगों के बीच में लोगों के दिलों में कितना जगह बना पाते हैं ना, उस पर निर्भर करता है। और हमें नहीं लगता है कि हम जहाँ भी निकले हैं, जिनके बीच में निकले हैं, उनके दिलों में अपनी छाप, उनके दिलों में अपनी जगह। आपको लगता है कि संगम बाबा की जगह लोगों के दिलों तक पहुँच गई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज देख लीजिए, आज यहाँ पे देख लीजिए, जो आजकल तक जो था लोग दल से प्रचार किया करते थे, दल को लेकर काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी, पार्टी की टिकट को लेकर था, तो वो भी अगर वो पार्टी के पक्का प्रचार न करके, दल का प्रचार न करके, अगर अपने व्यक्तित्व और उस जो है लोगों के बीच में बने रहते तो शायद उससे ज़्यादा उनको ये होता। लेकिन वो संगम बाबा टॉर्च लेके निकले हैं आप, इसकी रोशनी से तरैया को चमकाने का शायद आपने ख्वाब सोच लिया है, तो क्या लगता है कि इस टॉर्च की रोशनी से तरैया जगमग हो पाएगा? जगमग के लिए जो है पीछे से जो भी है सड़क बिजली पानी सब अवेलेबल है, लेकिन आज भी समस्याएं हैं कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो है अंधेरा छाता ही है, बिजली कटती है, और उस अंधेरे में मेरा प्रयास रहेगा कि अपना हम टॉर्च लेकर अपनी जनता को जो है जनता के बीच में प्रकाश फैलाएं, उसको रास्ता दिखाएं, और उसके बीच जो है उस उन्हीं पलों में, उन्हीं संकट की घड़ी में, उन्हीं दुख के पल में जो है उनके बीच प्रकाश। संगम बाबा, विकास की बात सारे दलों के द्वारा किया जाता है, बतौर निर्दलीय सभी लोग विकास को ही मुद्दा मान के, विकास की ही बात सामने रख के चुनाव मैदान में आए हैं और इसी को पूरा करना चाहते हैं, क्या बहुत लंबे लंबे जो है चुनाव आए हुए हैं, प्रत्याशी जो है कर रहे हैं, लेकिन विकास की बात सिर्फ रोड सड़क बिजली पानी ही नहीं है, क्योंकि ये जो सुविधाएं हैं जो समय बदलता जा रहा है, जैसे 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 लोगों की आवश्यकताएं। आपके आपके दिमाग में विकास की परिभाषा क्या है, आप किस तरह के विकास की परिकल्पना करते हैं? सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे है जो बिहार में है, जो हमारे विधानसभा हो या बिहार पूरे बिहार में हो, बेरोजगारी और रोजगार को लेकर यहाँ से जो है इतनी जो है बेरोजगारी है कि यहाँ से जो है काफ़ी लोग प्लान करते हुए जो अभी जो है काफ़ी लॉकडाउन या कोरोना काल में काफ़ी लोग दुखी होकर काफ़ी कष्ट झेलकर यहाँ तक पहुँचे, और तो बस मैं इस पर सबसे पहले कदम यही उठाना। चलिए चलिए संगम बाबा, आपको लोगों ने विधायक मान लिया, चुन लिया विधायक, क्या परिवर्तन आप तरैया में ले आएंगे बतौर विधायक, ये बताइए। बिल्कुल, जब मैं लोगों के बीच में आएंगे और लोगों के जो है बीच में रहेंगे, उस पद पे रहेंगे, तो सबसे पहले रोजगार के लिए जो है उस पर कदम उठाएंगे,
और उसके लिए जो भी है यहाँ पे कल कारखाने या जो भी कहा जाता है कि आप लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ना आपकी तत्कालीन निर्णय हो सकता है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले भी कोरोना काल में बाढ़ की विभीषिका में आप लगातार लोगों के बीच आते जाते रहे हैं, तो लोगों से आपका ये जुड़ाव और लोगों से इस तरह से मिलना जुलना, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा था? देखिए, एक दिन में कोई काम एक पल में या एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए जो है लगातार संघर्ष और प्रयास करना पड़ता है। यहाँ की जो जनता है, ईश्वरपुर की जनता सबसे पहले कहेंगे कि उस पंचायत में 10 सालों से डटरा पुसोली सहा पंचायत में 10 सालों से जो है यहाँ की जनता हमें अपने बीच में रखी हुई है और लगातार हम जनता के बीच बने हुए हैं, उनकी सेवा आपदा विपदा संकट कष्ट में बराबर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते आ रहे हैं। उसी बीच जो था मार्च महीने से कोरोना काल का टाइम आ गया, काफ़ी जो है मजदूर किसान भाई जो है घरों में बंद हो गए, जो है आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी, इसमें पंचायत के और जो है प्रखंड में छोटा सा प्रयास और छोटी सी एक सहयोग सहायता के रूप में हम उनके मतलब उनके लिए निकले और निकलते निकलते बस तरिया पनापुर ईश्वरपुर के अलावा भी और कई प्रखंडों में पहुँचे उनकी मदद के लिए, कुछ थोड़ी सी जो भी मदद है राशन सामग्री लेकर उनके बीच पहुँचने का काम किए और उसी बीच जो है उसके बाद में आपका जो है बाढ़ की संगम बाबा ने निकलती है आपके आपने जब नामांकन के लिए आप चले थे तो एक लंबी भीड़ दिखती है, कई सोशल साइट पे देखने को मिला कि आपके गाड़ी के पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी, लोगों का यह जन समर्थन आप बुला के लाते हैं या ये स्वतः है? यही आपसे बोलना चाहे ना, लोगों के बीच में, लोगों के दिल में हमने जगह बनाई है, लोगों के दिल में हम रहे हुए हैं और बस इसी का मतलब एक विश्वास भरोसा है कि वो जो लोग हैं जो वो दिल से है हमारे साथ है। और न बुलाने वाली बात नहीं है, यहाँ पे अगर एक बार जानकारी हो जाए ना कि संगम बाबा यहाँ पे आ रहे हैं, संगम बाबा के यहाँ जाना है, तो समझिए कि वो जन सैलाब आ जाता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बुलाने की बात बुला दें तो शायद हमको लग रहा है कि फिर कहाँ रखेंगे कैसे रखेंगे। संगम बाबा कहते हैं बुला दें तो शायद पता नहीं लोगों को कहाँ रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, वो भी इनकी स्वाभाविक है, चलिए हो सकता है, आपकी लोकप्रियता इतनी है, आपसे लोग इतने जुड़े हुए हैं कि वो बिना बुलाए जानकारी पे चले आते हैं। ये बताया जाए जब आप अपने पंचायत डटरा पुरसौली पंचायत के मुखिया थे, वर्तमान में भी हैं और आसपास के पंचायतों में भी आप लगातार सक्रिय रहते हैं उसके विकास के लिए, लोगों की जन समस्याओं के उसके समाधान के लिए, आप सामाजिक रूप से भी बड़े सक्रिय रहे हैं, समाज के सक्रिय लोगों को भी सम्मानित करते रहे हैं, तो इन सभी लोगों का क्या जुड़ाव या समर्थन अब प्राप्त हो रहा है? पंचायत है लेकिन कभी भी इन 10 सालों में हमने कभी पंचायत के बाहर के लोग, प्रखंड के या प्रखंड के बाहर के लोग जो भी मतलब कभी हमने उनको उस दृष्टि से उस दृष्टिकोण से नहीं देखा, जो भी लोग आए हमने प्रयास किया, हमारे पास जो लोग हैं हमारे बीच आए हुए हैं हमसे कुछ उम्मीद लेकर हमारे पास आए हुए हैं, तो उनका मैं सबसे पहले उनका कार्य करूँ, उनका जो है उनका काम करूँ। अच्छा संगम बाबा बताइए, लोगों का ये जन समर्थन, लोगों का ये स्नेह क्या दिखाता है आपको, आप चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल, जो है लोगों ने दिलों में जगह हमें दी है और हमें पूरा विश्वास पूरा भरोसा है कि जो है हम उनके दिल में रहे हैं और दिल में हैं और दिल से निकल कर जो है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। हम तरैया विधानसभा के सहवा पंचायत में हैं, हमारे बीच थे तरैया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी सरोज कुमार गिरी उर्फ संगम बाबा, टॉर्च लेके निकले हैं और संकल्प बता रहे हैं कि पूरे तरैया को टॉर्च की रोशनी से चमकाएंगे, उसकी रोशनी से प्रकाश को फैलाएंगे, एक विजन बताया इन्होंने, कहा कि इनके पीछे लोगों का अपार स्नेह है, अपार समर्थन है, अपने जीत के प्रति भरोसा जताया और ये बताया कि तरैया के लिए ये अलग करना चाहते हैं, तरैया को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। अब इनकी बातों को मतदाता कितना समझ पाते हैं, मतदाता तक इनकी बात कितनी पहुंच पाती है,
ये 3 नवंबर बताएगा और 3 नवंबर को 3 नवंबर को मत देने के लिए जो कतारें लगेंगी और उसमें गिरने वाले जो वोट होंगे वो बताएगा कि लोगों का समर्थन संगम बाबा को कितना मिला। फिलहाल मैं संजीव कुमार, पॉलिटिकल रिपोर्टर, नेशनल खबर।